हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह की स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल का यूज हुआ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। देन हम चलेंगे फोन का स्क्रीन पर, ओपन करेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन को, एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे एक दबा लीजिए ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स, चलते फोन के स्क्रीन पर। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, क्रिएट न्यू पर क्लिक कीजिए, फ्रेंड्स नाउ सेलेक्ट करें, एसोस लग कीजिए, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस साइड में सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप कीजिए, एडिटिंग पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर फिल स्क्रीन कर लीजिएगा, टाइमिंग का ड्यूरेशन इतना ही डालने दीजिएगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन यहाँ से बैक आइएगा, बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इमेज आपको ले लेनी, तो चले तब तक के लिए मैं कुछ इमेज यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल पर क्लिक किया और ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, इसे ओपन होने तक हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। ये मेरा काइनमास्टर की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो जाता है। तो चलिए मैं कुछ इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैंने 17 सेकंड का इमेज ले लिया, आप जितना टाइम का स्टेटस बनाना चाहते हो उतना टाइम ले लीजिएगा। इसके बाद इमेज पर क्लिक कीजिएगा, फ्रेंड्स यहाँ क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। देन इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है समर वेकेशन करके, ये वाला इफेक्ट जो आता है इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। देन फर्स्ट इमेज पर फर्स्ट लगा लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, सेकेंड इमेज पर क्लिक कीजिए, क्लिप ग्राफिक्स में जाइए और फिर यहाँ पर सेकेंड वाले पर सेकेंड लगा लीजिए। इसी तरह से मतलब आपको रिपीट करते रहना है। तो जितना भी इमेज आप लेंगे सभी पर आपको रिपीट करते रहना, सात इमेज तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 ठो लग जाएगा। इसके बाद वाले इमेज पे फिर से फर्स्ट से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 ठो इमेज है, 4 ठो लगा दिया। देन यहाँ पे राइट क्लिक कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस का आइकन आ रहा है दोनों इमेज के बीच में, इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है। देन यहाँ पे लिक्विड मास्क इसी वाले बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको वहाँ पर ढूंढ लेना है, लिक्विड वाले में ही लिक्विड मास्क मिल जाएगा, तो उसे सेलेक्ट कीजिएगा। देन फर्स्ट वाले पर फर्स्ट ले लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, देन नेक्स्ट वाले पर क्लिक कीजिए, फिर से जाइए सेकेंड वाले पर सेकेंड ले लीजिए, यहाँ पर थर्ड वाले पर थर्ड और यहाँ पर फिर से इसे ले लेना है, ठीक है, राइट क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया, अब इसे आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इस पर मैंने सेव पे क्लिक कर दिया और देख सकते हैं सेव हो रहा है, बस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, बस एक्सपोर्ट होने तक हमें वेट कर लेना है। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्सपर्ट हो चुका है। देन यहाँ से हमें बैक आ जाना है, बैक आने के बाद फ्रेंड्स इस पे आपको एक इफेक्ट जो वीडियो मैंने दिया है उसे लगा लेना। तो लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा और फ्रेंड्स मीडियम में जाने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड में चले जाना है। और फ्रेंड्स डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पर जो मैंने एक वीडियो दिया कलर और इफेक्ट वाली, तो उस वीडियो को आपको सिंपली ले लेना है, ठीक है। तो ये वाली वीडियो को आप ले लीजिएगा, देन इसे ट्रिमर को बगल फुल स्क्रीन का ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए। देन यहाँ से बैक आइएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पर आपको सिंपली इसे स्क्रीन कर देना है और राइट क्लिक कर लेना है। इसके बाद लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा, सो मीडियम जाने के बाद यहाँ पे फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है। और फ्रेंड्स डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे जो वीडियो मैंने आपको दिया था टेम्पलेट फोन वाला, तो उसे आपको ले लेना है। यहाँ पे ट्रिमर के बगल फुल स्क्रीन पे क्लिक कीजिए और इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा। देन ऐसे बैक आएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिए, क्रोमा की में जाइएगा और इसे इनेबल कीजिएगा। तो यहाँ पर ग्रीन वाला ऑटोमेटिक ही सिलेक्टेड आता है, तो आपको की कलर पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको ये वाला ब्लू वाला सिलेक्ट कर लेना है। देन इसे थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा कि थोड़ा बोल्ड दिखने लगे यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, और राइट क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से इसे भी आपको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सेव वाले बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो देख सकते हैं ये फाइनली एक्सपोर्ट हो रहा है, बस इसे एक्सपोर्ट होने तक आपको वेट कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे एक्सपोर्ट होने में, तो जितना टाइम लगेगा उतना वेट कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं ये थोड़ा सा और बचा हुआ, इसे एक्सपर्ट होने तक बस आपको वेट कर लेना, थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गया। तो देख सकते हैं ये हो गया। देन यहाँ से आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद फ्रेंड्स न्यू क्रिएट न्यू पे क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स नाउ सेलेक्ट करें, एसोस सेलेक्ट कीजिए, देन यहाँ पे आ जाइएगा, इमेज वाले ऑप्शन पर जाइएगा और एक इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और इसे स्क्रॉल करके आपका जितना टाइम का स्टेटस है उतना टाइम कर लीजिएगा। देन स्टार्टिंग में आइएगा, लेयर्स वाले ऑप्शन पर टैप कीजिए, मीडियम जाइएगा और जो अभी ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो आप एक्सपर्ट किया तो उस वीडियो को ले लीजिएगा। देन ट्रिम वगैरह फुल स्क्रीन का ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, इसके बराबर में ऊपर वाले बैकग्राउंड को क्लिक कीजिएगा और कट कर दीजिए जो भी एक्स्ट्रा होगा। देन इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा, यहाँ पे क्रोमा की पे क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स इसे इनेबल कर दीजिए, ग्रीन वाला पार्ट जो है ऑटोमेटिक हट जाएगा, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरह से यहाँ पे और राइट क्लिक कर लीजिए। अब इसके स्टार्टिंग में अगर लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा और जो वीडियो अभी आप एक्सपोर्ट किए थे काइनमास्टर से, जो डायरेक्ट इमेज एक्सपोर्ट किए थे उस इमेज को ले लीजिएगा। देन यहाँ पर आपको इसे इस तरह से एडजस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और इसे सेंड टू बैक कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आ जाएगा, राइट क्लिक कीजिएगा और इसे प्ले करके आप देख सकते हैं।
तो देख सकते हैं इस तरह से देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे आपको सॉन्ग लगा लेना, तो जो भी सॉन्ग पे एडिटिंग करना चाहते हो सॉन्ग को सिंपली लगा लीजिए। स्टार्टिंग में आइएगा, ऑडियो वाले सेशन पे जाइएगा और यहाँ पे फोल्डर में चले जाना है, देन डाउनलोड में जाना है और यहाँ से आप जो भी स्टेटस बनाना चाहते हो जो भी सॉन्ग पे उसे ले लीजिएगा, देन यहाँ पे प्ले करके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो चुका है। सिंपली यहाँ पे इस वाले एरो पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सेव कर लीजिए। ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।